हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित बुकरा और आप देख रहे हैं गेमिंग वर्ल्ड। आज मैं बात करने वाला हूँ GTA 5 के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मिले कि GTA 5 को एंड्रॉयड में कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि GTA 5 कभी भी एंड्रॉयड में प्ले नहीं हो सकता। ये बहुत ही बड़ा गेम है। ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन शॉट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ 60 GB का है, जो कि एंड्रॉयड में चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। GTA 5 के मोड्स आप एंड्रॉयड में खेल सकते हैं, बट ओरिजिनल GTA 5 आप एंड्रॉयड में कभी भी प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि यह एंड्रॉयड के लिए बना ही नहीं है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में GTA 5 के मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम GTA 5 के मोड्स को GTA San Andreas में यूज़ करेंगे। जब हम GTA 5 के मोड्स को GTA San Andreas में यूज़ करेंगे, तो हमारा GTA San Andreas पूरी तरह से GTA 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें GTA 5 की सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रियल में GTA 5 को प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास GTA San Andreas गेम होनी चाहिए। अगर आपके पास GTA San Andreas गेम नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि GTA San Andreas को एंड्रॉयड में फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो वीडियो देख के GTA San Andreas को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे GTA 5 मोड्स क्रेजी फॉर एंड्रॉयड, और जो पहला लिंक आएगा आप उसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप क्रेजी फॉर एंड्रॉयड के पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आपको इस पेज में नीचे जाना है। यहाँ पर आप गेम के स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। जब आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड लिंक से। तो यहाँ पर जहाँ लिखा है GTA San Andreas वीज़ा 2 फाइनल मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 सेकंड तक वेट करना है, कुछ एड्स आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली 3 टैब खुल जाएंगी। तो आपको फर्स्ट वाली 2 टैब बंद कर देनी है, और जो आपकी पहली वाली टैब थी आप उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, और आपको यहाँ लिखा है सिक्योर डाउनलोड मैनेजर, आपको ये टिक हटा देना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आ सकता है, तो आपको उसे कैंसिल कर देना है, या प्ले स्टोर पर भी पहुँच सकते हैं, तो आपको बैक होना है। या कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आया, तो आप उसे कैंसिल कर देंगे और इस फाइल पर क्लिक करेंगे। ये पेज पर नहीं पहुँचता है, तो इसे दोबारा कर दिया आप। और अब आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड नाउ, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जो फाइल आएगी आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, जो कि 707 MB की होगी। उसके बाद आप अपने ES फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। मैंने ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डाउनलोड का फोल्डर ओपन करेंगे, और जो हमने फाइल डाउनलोड की थी Visa 2 के नाम से, आप उस पर क्लिक करेंगे ES zip viewer, और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का, आप उस पर क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सक्सेस, इसके हो जाने के बाद आप बैक आएंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा Visa 2 के नाम से, आप उसे ओपन करेंगे, और यहाँ पर एक फोल्डर होगा Visa patch files के नाम से, आप उसे ओपन करेंगे। उसके अंदर एक फोल्डर होगा पैच फाइल के नाम से, आप उसे भी ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा com.rockstargames के नाम से, आप उसे यहाँ से कट कर लेंगे और बैक आएंगे, और एंड्रॉयड और डाटा का फोल्डर ओपन करके उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसके पेस्ट हो जाने के बाद आपका जो गेम GTA San Andreas है, आप उसे ओपन करेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चेंज हो गया GTA 5 की तरह। और स्टार्ट गेम, अनफॉर्चुनेटली GTA San Andreas हैज स्टॉप्ड। अगर आपके फ़ोन में गेम चल जाता है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपका गेम इसी तरह रुक जाता है जैसे मेरा रुक गया है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने सिंपल फाइल
एक्सप्लोरर को ओपन करना है और उसमें आपको अपने एंड्रॉइड फोल्डर को ओपन करना है और डाटा के फोल्डर को ओपन करना है, और जो हमने फोल्डर कॉपी किया था रॉकस्टार गेम्स के नाम से, आप उसे कहीं और मूव कर लेंगे, उस फोल्डर की जगह पे कहीं भी मूव कर लेंगे और GTA San Andreas का बैकग्राउंड क्लियर करके उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। और आपका गेम यहाँ आ जाएगा और फिर से आप इस गेम का बैकग्राउंड क्लियर कर देंगे और जो वो फोल्डर था आपका रॉकस्टार गेम के नाम से, उसे दोबारा मूव कर देंगे एंड्रॉइड डाटा के अंदर। डन, अप्लाई टू ऑल, रिप्लेस। और उस फोल्डर को मूव करने के बाद आप फिर से GTA San Andreas को ओपन करेंगे और आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक देना बिल्कुल ना भूले, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को GTA 5 एंड्रॉइड के जितने भी कोई भी उनको डाउट है वो सब क्लियर हो सके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप देख सकते हैं गेम पूरा GTA 5 की तरह चेंज हो गया, आपको यहाँ पर GTA 5 से रिलेटिव हर चीज़ मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।